समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, राजस्थान में कुछ कम सीटों पर लड़ी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता रहा और कई विधानसभाओं में चुनाव लड़े हैं। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन हमें खुशी है इस बात की मध्य प्रदेश की जनता का हम विशेष आभार प्रकट करेंगे कि वहां की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी मतदान किया। एक सीट जहां समाजवादी पार्टी जीती है छतरपुर जिले में, वहीं कई सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर दो पे रही है। नुकसान दूसरे दलों का न हो, खासकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले, इसलिए वहीं समाजवादी पार्टी लड़ी थी जहां पर पार्टी का कुछ संगठन था या पार्टी के कुछ साथी लड़ना चाहते थे। हमें खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश ने की जनता ने कुछ सवाल जो समाजवादियों ने उनके बीच रखे थे उनका समर्थन मिला है। बालाघाट या उस जिले में जो दोनों सीटें लड़े, कंकड़ मंजारे जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, बहुत कम फासले से वो भी हार गए। इस तरह और सीटों पे भी नंबर दो की लड़ाई पार्टी ने लड़ी और केवल एक पार्टी सदस्य जीते हैं और आज ही समाजवादी पार्टी ने सभी से राय मशवरा करके फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के बीच वादे किए थे, सबसे बड़ा मुद्दा जो था किसानों का सवाल को लेकर के, किसान तकलीफ में परेशानी में है और वहां का किसान चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ करके कहा, उस बात को यकीन में बदल दिया वोट के माध्यम से लोगों ने, किसानों ने। हमें उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला कांग्रेस पार्टी का यही हो कि वहां के किसानों का कर्ज माफ हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। एक अलायंस की वहां पर भी बात चल रही थी, अगर आपको लगता है ये अलायंस हो जाता आपका बसपा का कांग्रेस का तो और बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होता। उन बातों का कोई मतलब नहीं है, चुनाव खत्म हो गया है, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, और हमें खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी का कम समय देने के बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि वहां पर संगठन भी तैयार करें, नए साथियों को जोड़ें भी, और जिस विचारधारा पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, काम कर रही है, उस विचारधारा को गांव तक पहुंचाएं। अखिलेश जी वो ख्याल 11 का इसलिए आया कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी वो तारीख 11 थी, इसलिए मैंने जानबूझ करके इस बात को कहा कि इन परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी को जाना ही है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नफरत फैलाई है, बहुत जनता को धोखा दिया है, और अभी तो इन्हीं प्रदेशों में उनका ये परिणाम आया है। आने वाले समय में जब देश का चुनाव होगा उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को धोखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत फैलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ धोखा किया है, नौजवानों के साथ जो नौकरी और रोजगार को लेकर के धोखा दिया है, इन सब का जवाब आने वाले चुनाव में उन्हें मिलने जा रहा है। देखिए अभी कोई अलायंस की बात नहीं होगी, अभी केवल अपनी पार्टी कितनी मजबूत है और पार्टी का संगठन और पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक होगी। कल अखिलेश जी ये राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नोटा को वोट पड़े हैं, ये नोटा की इसमें कितनी बड़ी भूमिका रही है 2019 के लिए? समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ी है और ये रास्ता ऐसा निकले जिससे कि देश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उस प्रयास को समाजवादी पार्टी करती रहेगी।
ये जो नोटा का इसमें मामला सामने आया है, जिस तरीके से राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नोटा को काफी इस बार वोट मिले हैं, हर सीट का जो अंतर रहा उससे 3 गुना तक नोटा के वोट पहुंचे हैं, तो नोटा ने खेल बिगाड़ा है इस बार, इस पर आपका क्या है? उस विश्लेषण में हम नहीं पढ़ना चाहते। ईवीएम की आगे लड़ाई क्या जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ही आरोप लगा रहा था, विपक्ष को सरकार बन रही है, ईवीएम पर सवाल हमेशा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को कितना जनता समझ पा रही है कई बार सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका जैसी जगह पर जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है वहां भी जांचें चल रही हैं, कई चीज़ें खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि जो चुनाव हुआ था किस तरीके से चुनाव को परिणाम को बदला गया। सबसे अच्छा चुनाव तो यही है कि ठप्पा मारने का मौका मिल जाए, कम से कम हमें पता तो हो, तो वो एक दूसरी लड़ाई है, वो उसके लिए अपनी बात पार्टी रखती रहेगी। हाल फिलहाल क्योंकि चुनाव बहुत करीब है इसलिए हमें बूथ तक तैयारी करनी है। अगले जी बसपा ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब पता नहीं बाजी कैसे मारी जाती है। अखिलेश जी, जो एमपी में 230 सीटें थी लेकिन कहीं कहीं मतगणना में टाइम काफी ज्यादा लगता चला गया, क्या लगता है कि इस बार भी कुछ खेल करने की जरूरत में थी? अब ये प्रोसेस और प्रोसीजर इतना रहा होगा लंबा, इसलिए भी कि सब प्रत्याशी जितने थे उन्हें संतुष्ट कर करके ही चीजें हो रही होंगी। जो काउंटिंग टेबल पे थी, वीवीपैट था, तो कई चीज़ें उसमें सामने आई होंगी, इलेक्शन कमीशन तक बात जाती थी, उसके बाद आप घोषित कर सकते थे, तो एक तरीका था। लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं, पोस्टर बहुत चल रहा है जिसमें मोदी वर्सेस योगी का चल रहा है कि योगी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है इन राज्यों में चुनाव के हार। मैं तो चाहूंगा पोस्टर की खबर आप लोग भी चैनल पे चलाएं जिससे पूरा देश देख ले, तो जो लड़ाई वहाँ है वो आपको पता लग जाएगी। सर, आपका एक बयान आया था चुनाव के दौरान और ये कि अगर योगी मुख्यमंत्री रहते तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। हाँ, क्योंकि वो भगवानों की जात बता रहे हैं तो अच्छी बात है, अभी तो कुछ ही भगवानों की जाति बताई है, अगर वो सभी भगवानों की जाति बता दें तो हमें काम आसान हो जाएगा, हम अपनी जाति वाले भगवान से कुछ मांगेंगे, हम इधर उधर क्यों मांगे कोई चीज। अब तो उन्हें खुद बताना पड़ेगा कि किस भगवान ने उन्हें क्या दिया है, क्या मिला उन्हें बताओ। राम मंदिर क्या, राम मंदिर मुद्दा रहा बीजेपी के हार का? समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी खुशहाली और तरक्की की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिस पे अमल अगर दूसरे प्रदेश की सरकारें भी करें तो जनता को ज्यादा राहत मिलेगी। क्या राम मंदिर का मुद्दा, आज सवाल ये है कि धान की कीमत मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो किसान की पैदावार की आय बढ़ने की बात थी, कितने किसानों की आय बढ़ गई, आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले कन्नौज में एक किसान ने आत्महत्या की, आज फिर किसान ने आत्महत्या कर ली। और याद रखो टीवी चैनल वालों, आपको किसान की आत्महत्या को बहुत हाईलाइट करना चाहिए, बताना चाहिए कि किसान कितना दुखी और परेशान है, नहीं कल को आपकी जब परेशानी आएगी तो कोई नहीं बोलेगा आपके बारे में। नौजवान लड़के ने नहीं, ये सच है, ये जो सवाल पूछ रहे हैं आप एकदम सही पूछ रहे हैं कि कितनी परेशानी की बात है। अब आप सोचिए कल सुबह सुबह 5 बजे एक अभ्यर्थी जो कि पुलिस भर्ती में नहीं हो पाई, फिर दूसरी भर्ती देखी उसमें नहीं हो पाई, और इस सर्दी में 5 बजे मिलने आ जाए कोई आपके घर पर, तो हर आदमी नौकरी रोजगार भी करना चाहता है।